मैं समझता हूं कि इस पैसे का जुड़ाव कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री तक से ये जुड़ाव होगा, मुझे ऐसा लगता है। एम्बुलेंस में भी, गाड़ियों में भी ढो ढो करके बिहार मुजफ्फरपुर की ओर, उड़ीसा की ओर पैसा सेफ जोन में छत्तीसगढ़ की ओर ले गया था। कांग्रेस के राज्य में कितना बड़ा बड़ा घोटाला हुआ, अभी भी उनकी राहुल गांधी, प्रिया सोनिया गांधी जी का कितना प्रॉपर्टी को अटैच किया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है भाई। बाकी अगर एक एक करके मैं दस्तावेज खोल दूं तो फिर आप लोग कहेंगे कि साहब ये तो आप पोथा खोल रहे हैं। राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, जो इस प्रकार की भ्रष्ट अफसरों को, दलाल को, बिचौलियों को बचाने की कोशिश करते हैं, अब तो लगता है कि इनको मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। अब त्यागपत्र नहीं देते हैं तो अब लगता है कि इनके ऊपर अब कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए तो मैंने कहा कि तुरंत FIR होनी चाहिए और धीरज साहू की गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसके बाद तब पूछताछ होगी तो और पता चलेगा। विषय आप सब लोगों के संज्ञान में आज पूरे देश के अखबारों में या न्यूज में छाया हुआ है, क्योंकि मामला झारखंड से जुड़ा हुआ है। आप सब ने देखा कि कल किस प्रकार से, यानी कांग्रेस पार्टी के नेता, राज्यसभा के सदस्य धीरज साहू जी के आवास पर या उनके ठिकानों पर जो छापा मारा, और उसमें से जो अभी तक जानकारी मिल रही है वो 300 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि संभवतया ये सीधा सिर्फ धीरज साहू का ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी या जो NDA गठबंधन है उन सब लोगों की ये पैसे हैं। आप सबको ध्यान में है कि कांग्रेस पार्टी का तो करप्शन के साथ नाता आज से नहीं वर्षों पुराना है, और NDA गठबंधन में भी जितना लोग हैं उन सारे लोगों का भी रिश्ता नाता करप्शन के समान रूप से, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आप सबको याद होगा कि झारखंड में भी पिछले दिनों जब ED ने छापा मारा तो उस वक्त भी ये पता चला था कि 1 करोड़ रुपया झारखंड में भी मिला, और यहाँ के मुख्यमंत्री है जो लोगों ने बताया कि उसके ठिकाने से भी कई एक पैसे कोई बिहार मुजफ्फरपुर की ओर, उड़ीसा की ओर, भिन्न भिन्न राज्यों में वो सारे पैसे को यहाँ से वहाँ हस्तांतरित किया गया है। अब लगता है कि संभवतया वही सारे पैसे आज वो बरामद हो रहे हैं, और ये बहुत बड़ा स्कैम है, और ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा ये लोग लूटते हैं, और लूट करके ये लोग उसी पैसा से नामी बेनामी संपत्ति भी लोग अर्जित करते हैं देश विदेशों में। और जानकारी तो यहाँ तक मिलती है कि एक सोना भी खरीद खरीद करके लोगों ने जमीन के नीचे गाड़ करके लोगों ने रखे हुए हैं। अभी कोई सामान्य घटना नहीं है कि बहुत बड़ी घटना है, मेरे समझ से हाल फिल के दिनों में जो इतनी बड़ी रकम नगद शायद और कहीं नहीं मिला था, ये अभी जो छापामारी में बरामद हुआ। एक और आप सब लोग देखते होंगे ED गठबंधन की ओर से बार बार ये कहा जाता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या और भी दल हैं, सब कहता है कि भाई BJP हम लोगों के पीछे ED, CBI या IT डिपार्टमेंट को लगा रखे हैं। भाई आप तो बिल्कुल साफ है कि भाई क्यों ये लोग डरते हैं और क्यों ये लोग इस प्रकार की आलोचना करते रहते हैं। अब करोड़ों टका तो इन्हीं के घरों में मिल रहा है, अरबों अरबों के रुपया, बाकी के यहाँ तो कोई पैसा कोई मिलता नहीं है। तो ये बड़ा ही और मामला है, और मैं समझता हूँ कि इस पैसे का जुड़ाव कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री तक से ये जुड़ाव होगा, मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि इस मामले को बिना विलंब किए
धीरज साहू पर FIR होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके साथ कड़ाई से पूछताछ हो ताकि ये पता चल सके ये पैसा किन किन लोगों का है और भी लोगों ने कहां कहां पैसा को छुपा के रखा है, कहां कहां सोना चांदी या नामी बेनामी संपत्ति लोग अर्जित किए हैं, इला गढ़ करके लोग रखे हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी अब मिलनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी है कि भाई मोदी जी की गारंटी है एक भी कोई भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा और ना खाएंगे ना खाने देंगे, इससे सारे लोग बिलबिलाए हुए हैं। लेकिन नोट की गड्डी तो उन्हीं लोगों के आवास पर मिल रहा है, उन्हीं लोगों के ठिकाने पर मिल रहा है और इसीलिए हमने ये कहा कि भैया बिना विलंब किए धीरज साहू पर FIR होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनकी पूछताछ होनी चाहिए ताकि जो भी इसमें से पार्टनर है, जिन जिन लोगों का पैसा है, कहां कहां से आया और कहां कहां और उसको छुपा के रखा गया है, वो सब चीज़ों का पता चल सके। और इन मुद्दों को लेकर के क्योंकि मामला झारखंड से जुड़ा हुआ है और इसलिए झारखंड प्रदेश में तो पूरे प्रदेश में पार्टी इसकी आंदोलन करेगी। अभी हम सब लोग आंदोलन की रूपरेखा के लिए थोड़ा हम लोग बैठेंगे और उसके बाद तय कर देंगे तो बाकी आप सबको पता चल जाएगी। तो इस राज्य में भी आंदोलन हो गया, राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं जो इस प्रकार के भ्रष्ट अफसरों को, दलाल को, बिचौलियों को बचाने की कोशिश करते हैं, अब तो लगता है कि इनको मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। अब त्यागपत्र नहीं देते हैं तो अब लगता है कि इनके ऊपर अब कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ED ने भी बार बार इनको नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद भी आप देखते होंगे कि ये बिल्कुल कानून को ठेंगा दिखाते हैं, यानी अपने आप को भी कानून से बड़ा मानते हैं। और अब समझ में आ रहा है कि वो क्यों भाग रहे हैं, जिन लोगों ने इस राज्य को लूटा है और इतनी इतनी पैसा यहाँ से वहाँ ये लोगों ने छुपाया है, अब तो सब कुछ सामने आ रहा है धीरे धीरे करके और इसलिए वो भी भागे फिर रहे हैं। और इसलिए हमने पहले भी कहा है कि अब उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं फिर से कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इन सारे मुद्दों को लेकर के सड़क में भी और सदन में भी दोनों जगहों पर इन मुद्दों को लेकर के आंदोलन करेगी। इसलिए तो मैंने कहा कि तुरंत FIR होनी चाहिए और धीरज साहू की गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसके बाद तब पूछताछ होगी तो और पता चलेगा। और मुझे लगता है इससे कहीं और बड़ी रकम है, क्योंकि जिस समय यहाँ पर ED ने रेड किया था कुछ पैसा उस वक्त बरामद हुआ था, कुछ करोड़ रुपया, आप सबके संज्ञान में आया विषय। उस समय जो जानकारी मिली थी कि एम्बुलेंस में भी, गाड़ियों में भी ढो ढो करके बिहार मुजफ्फरपुर की ओर, उड़ीसा की ओर पैसा सेफ जोन में, छत्तीसगढ़ की ओर ले गया था और छत्तीसगढ़ से और यहाँ से शराब घोटाला में तो बिल्कुल लिंक जुड़ा हुआ ही है। तो इसलिए मैंने ये कहा कि कुल मिलाकर के जब उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी और उनसे पूछताछ होगी तो मुझे लगता है कि ये सैकड़ा में नहीं बल्कि हजार करोड़ में से वो आगे पहुंच जाएगी। हम बोले कि बिजनेसमैन के लिए भी सब बना हुआ है गाइडलाइन कि कितना पैसा वो रख सकता है, आप सब लोग उसको नेट्स में, गूगल्स में उसको देख सकते हैं। तो बिजनेसमैन को तो और अच्छी तरह से पता है कि उनको कितना पैसा रखने का एट ए टाइम उनके पास राइट है। अब स्वाभाविक है भाई ट्वीट करेंगे, जब इतना बड़ा कम मामला थोड़ो है, 300 करोड़ रुपया यहाँ का मामला छोटा मोटा थोड़ो है। अरे अभी तक जितना आया है हम सब लोगों ने देखा है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अभी तो मेरे ख्याल से और कहीं लोग ये कर रहे होंगे, खोज के खबर ले रहे होंगे। और इसलिए हमने कहा कि उनकी गिरफ्तारी होगी, जब बैंक में पैसा जमा होगा तो आप सबको जानकारी और मिल जाएगी और तकलीफ। अरे जनता को तो बताएंगे ना, वो तो कर रहे, जनता को तो बताएंगे ना कि ये लोगों ने क्या क्या करते रहा है, अभी भी ये लोग क्या कर रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी। नहीं नहीं, मैं तो कहूंगे कि झारखंड बनने से पहले नहीं, जब से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस पार्टी है, उन अतीत की तो मैं नहीं उदाहरण दे रहा हूँ। कांग्रेस के राज में कितना बड़ा बड़ा घोटाला हुआ, अभी भी उनकी राहुल गांधी, प्रिया सोनिया गांधी जी का कितना प्रॉपर्टी को अटैच किया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है भाई। और जेएमएम का भी जो लूट कांड है, आज से नहीं है, कई वर्षों से है। मैं उतना इतिहास में आप सब लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैंने तो आपको इतना ही बात बताई, बाकी अगर एक एक करके मैं दस्तावेज खोल दूँ तो फिर आप लोग कहेंगे कि साहब ये तो आप पोथा खोल रहे हैं।